असली नकली किन्नर के लेकर होने वाले आपने बहुत विवाद देखे होंगे, लेकिन यह जो विवाद सामने आया है यह हटा क्षेत्र का है। दरअसल किन्नर यह दोनों ही हैं, एक सूट वाली किन्नर, दूसरी साड़ी वाली किन्नर, लेकिन दोनों एक दूसरे को नकली किन्नर साबित करने में जुटे हुए हैं। दरअसल यह विवाद इनके एरिया को लेकर है। इस दौरान सूट वाले किन्नर ने साड़ी वाले किन्नर को सबक सिखाने के लिए अपने दो गुर्गों की मदद से न केवल उसके साथ हाथापाई की, बल्कि उसकी चोटी काटकर अलग करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इस दौरान बड़ी संख्या में तमाशाइयों की भीड़ लगी रही। आइए आपको दिखाते हैं इस विवाद की एक झलक। नकली किन्नर होके पूरे क्षेत्र जानते हैं मुझे बचपन से यहाँ पे। कौन जानता आपको? कौन जानता? हाँ लंड जानता। तू मालिक के यहाँ से पकड़ सुन ले बात देखते ही मैं बनाऊंगी बढ़िया वीडियो बना कपड़े। सूट और साड़ी वाले किन्नर का विवाद देखते ही देखते सड़क पर पहुंच गया और सड़क पर भी साड़ी वाले किन्नर को पटक कर सूट वाले किन्नर ने उसकी साड़ी ऊपर करने में देर नहीं की। वहीं कुछ लोग इस विवाद को हिंदू मुस्लिम किन्नर से जोड़ते हुए भी नजर आए। लोगों का कहना था कि सूट वाला किन्नर मुसलमान है और साड़ी वाला किन्नर हिंदू, इसी वजह से इनके बीच में विवाद चल रहा है। इस झगड़े और विवाद के दौरान सड़क पर तमाशाइयों की भीड़ लगी रही, ट्रैफिक थमता रहा और बाद में विवाद हटा थाने पहुंचा, जहां प्रभारी TI मनीष मिश्रा के समक्ष दोनों किन्नरों ने एक दूसरे की शिकायत की और उनकी बात को सुनने के बाद में TI ने दोनों को बाहर बैठा दिया और बाद में दोनों के खिलाफ एक दूसरे की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए जांच के बाद कार्यवाही की बात कही। इस दौरान एक किन्नर दूसरे किन्नर को कैसे नकली ठहराता रहा, आप भी सुने। मेरा नाम रुखसार खान है और पिंकी भी नाम है। मेरे क्षेत्र में कई दिनों से नकली किन्नर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और बधाई ले लेके जाते हैं और हमें कुछ भी नहीं मिलता है। तो आज क्या हुआ है? आज अचानक से मैं बधाई पे आ रही थी, मैं उसी समय वे कुमार के यहाँ पे बधाई बजा रहा था, तो उसी समय पे वो कुमार के यहाँ से हम लोग की वो हुई कि तुम्हारा अधिकार नहीं है, मैं तो मुझे सब जानते हैं अभी हटा क्षेत्र में कितने दिन से मांग रही हूँ और उस वो भी नकली किन्नर मांगता है। तो किन्नर पप्पू और रुखसार ये दोनों थाने में आए थे, इनकी कुछ आपस में विवाद है आपस में, इनकी दोनों की हमने समस्या सुनी है, दोनों की हमने रिपोर्ट लिखी है और जाँच कर रहे हैं। क्या मतलब इसके पहले भी सर इनके द्वारा कोई शिकायत वगैरह की? तो यहाँ पर 2 महीने पहले आया हूँ, लेकिन सुना है कि इनका पहले से विवाद चल रहा है, दोनों किन्नर हैं और संभवतः इनका जो इनका जो बिजनेस है किन्नर वाला, उस संबंध कुछ विवाद है। मतलब क्या विवाद है, कोई कुछ असली नकली ऐसे जिस टाइप से? हाँ, ये इन्होंने बताया कि एक किन्नर ही कहता कि मैं असली हूँ और दूसरे को नकली बताता है।